पूरे प्रदेश में ये हालत हो गई है पुलिस की कि वे पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और उनसे संबंधित दलालों के प्रभाव में काम कर रही है। सिवनी शहर का एक मसला सामने आया है जिसमें एक अपने आप को भारतीय युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष कहता है, जिसके ऊपर 9 आपराधिक प्रकरण है और वो जाकर वहां पे धौंस देता है कि जिसको तुमने गिरफ्तार किया हुआ है उसे हमें आप सौंप दीजिए। अब आप बताइए कि उसमें थानेदार और कांस्टेबल कैसे डायरेक्टली किसी को सौंप सकते हैं जबकि उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके खिलाफ दुनिया भर का उन्होंने उसके खिलाफ बातें की और आदिवासी के जात बिरादरी पर उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता प्रदर्शित करता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि एसपी साहब ने एक तरफा कार्रवाई कर दी और धनराज भट्ट बरकड़ी जी को जो आदिवासी कांस्टेबल है उसको लाइन अटैच कर दिया, दंड दे दिया, बिना सुने दंड दे दिया और उनके कहने से कर दिया जिन्होंने कि जाके उनके थाने में जाके बदतमीजी की, उनकी पुलिस फोर्स का बदतमीजी की। पुलिस कप्तान जिले के मुखिया होते हैं, अगर वही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और तहसीलदार, थानेदार, टीआई का यदि उनकी उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे ये काम चल जा पाएगा। इसलिए मैं इसकी इन्होंने जो किया है उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और अनुरोध करता हूँ डीजीपी साहब से और एसपी साहब सिवनी से कि बरकटे को तत्काल वहीं पर थाने में पोस्ट करें और जिस व्यक्ति के 9 आपराधिक प्रकरण है उसे जिला बदर करिए। ठीक मांग उठाई है हमारे आदिवासी विकास परिषद ने।